हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि निर अपराध जापक के लक्षण क्या होते हैं। कैसे पता लग गया कोई निर अपराध नाम ले रहा है? तो अपराध रहित जप करने वाला जो व्यक्ति होता है वो शिक्षा अष्टक के त्रिणादपि सुनिचेन में कथित चार सद्गुण प्रदर्शित करेगा। पहला क्या? भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति पूर्ण वैराग्य से उत्पन्न स्वाभाविक विनम्रता। तो पहला लक्षण क्या है? नेचुरल ह्यूमिलिटी उसके अंदर होगा। दूसरा है ईर्ष्या से आभार ग्रस्त विशुद्ध करुणा, कंपैशन, रियल कंपैशन उसके अंदर आएगा, करुणा की भावना, विशुद्ध करुणा की भावना जिसमें ईर्ष्या मिक्स नहीं होगा। तीसरा है भौतिक मिथ्या अहंकार से मुक्त एक विमल हृदय। तो जो मिथ्या अहंकार होता है उससे मुक्त एक शुद्ध हृदय। चौथा है प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसके प्रति आदर की भावना। तो वो हर व्यक्ति को आदर देगा उसकी स्थिति के अनुसार। तो ये चार जो है निरपराध जापक के लक्षण हैं। हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर स्वाभाविक विनम्रता आती है क्या, हमारे अंदर नेचुरल जो है करुणा है, विशुद्ध करुणा। दूसरे जीवों को देख के क्या हमारे हृदय में कष्ट होता है कि देखो कितना परेशान है, इनको भक्ति में लाना चाहिए। क्या हमारा हृदय द्रवित होता है? क्या हमारा हृदय विमल है? क्या हमारा हृदय शुद्ध है? क्या उसके अंदर मिथ्या अहंकार से मुक्त है? क्या दूसरे व्यक्तियों के प्रति हम समुचित आदर कर पाते हैं उनके स्थिति के अनुसार? तो ये जो है चार निरपराध जो है जापक के लक्षण होते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद समझाते हैं कि निरपराध जापक जो होता है वह परोपकार के विचारों से विवल होकर इस प्रकार विचार करेगा। मतलब उसका मानसिकता क्या है वो ठाकुर भक्ति विनोद बताते हैं। क्या बताते हैं? उसकी भावना क्या रहती है, सुनिए। हे भगवान, मेरे मित्र, संगी, साथी तथा अन्य सभी बद्ध जीव बहुत अभागे हैं। मैं किस प्रकार आपके सर्व मंगलकारी नाम के प्रति प्रेम व आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं? आंखों पर माया की पट्टी बांधकर वह पारिवारिक आसक्तियों, धन संपत्ति, तुच्छ सफलताओं व असफलताओं, लाभ हानि, हर्ष विषाद एवं जन्म मृत्यु के दलदल में धंसे हुए हैं। वह अनर्थों से भरे हुए हैं तथा भौतिक जीवन से तनिक भी विरक्त नहीं है। वह इंद्र तृप्ति के अनगिनत इच्छाओं रूपी मजबूत रस्सियों से निराशाजनक रूप से बंधे हुए हैं। वह कर्म व ज्ञान के व्यर्थ कामों में अपना अमूल्य समय गवा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों में आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा किस प्रकार जागृत हो सकती है? तो ये जो है शिक्षाष्टक पर टीका लिखा है शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने, उसके अंदर आता है। देखिए क्या भावना है, जो निरपराध रूप से जप करेगा उसका भावना क्या रहेगा कि उसको दूसरे जीवों के प्रति बहुत करुणा आएगी। वो प्रार्थना करेगा कि कब दूसरे जीव भी हरि नाम का आनंद ले सके, है ना। और उसके अलावा जो है मतलब उसको दया आएगी दूसरे जीवों पे, और वो दूसरे जीवों के लिए प्रार्थना करेगा कि इन लोग भी जल्दी से जल्दी जो है भगवान के जो है शुद्ध नाम ले सके। इसलिए हमको सभी जीवों के लिए भगवान से प्रार्थना भी करना चाहिए। डेली जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी जीवों को आध्यात्मिक आनंद मिले, हैं? तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं क्या हम निरपराध जप करने की स्थिति में हैं अभी। इन सब को क्या हमारी ऐसी भावना आती है दूसरे जीवों को देख के, या हमको लगता है चलो मरने दो, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो इसको, ये तो ऐसे ही उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। अगर हमारे अंदर ऐसी भावना आती है कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं, करुणा रखना चाहिए। वैष्णव वो होता है जिसको बोलते हैं पर दुख दुखी। इसलिए हम चेक कर सकते हैं और प्रयास करना चाहिए हमको कि कैसे हम इस चीज से ऊपर उठें, है ना। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे वो भजन है, कबे हबे बोल से दीना अमार। तो उसके अंदर लास्ट लाइन में बोलते हैं कबे हबे, उसमें बोलते हैं कब वो दिन आएगा, है ना, जब मेरे अंदर जो है करुणा उत्पन्न होगी जीवों के प्रति, है ना।
कब वो सुदिन आएगा जब मेरे अंदर जीवों के प्रति करुणा उत्पन्न होगी और मैं अपना कंफर्ट जोन, मैं अपना जो है अपना खुद के आनंद से बाहर निकल पाऊंगा और उनको जो है उनको आनंद प्रदान करूंगा, आध्यात्मिक आनंद। तो ये भाव होता है डिवोटीज का। तो ये हम ये भाव अंगीकार करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, है ना। और ये हम ध्यान रखें। और आज जो है श्रीमद् भागवतम क्लास होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक पे। तो आप लोग उसको जो है अटेंड कर सकते हैं, वो स्पेशली नाम की महिमा पे होगा। हरे कृष्णा, श्री हरि नाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।